भाई अभी तो बहुत झटका लगा रही है, छोड़ो मैं गियर डाउन अभी थर्ड गियर में कर देता हूँ, थर्ड गियर में आराम से चढ़। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन अपनी फ्रॉन्क्स में टेस्ट करने वाले हैं कि ये जब अपन गाड़ी को उठाते हैं ना, मतलब जब पिकअप करते हैं या फिर उठाता, मतलब जो आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं आप समझ जाना, तो उसमें मतलब अपन करते हैं जैसे थोड़ा एक्सेलरेटर देना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो क्या ये बिना एक्सेलरेटर दिए सिर्फ गियर और क्लच के सहारे उठ पाएगी? तो आज अपन वही टेस्ट करने वाले हैं इस कार के अंदर। मैं आपको थोड़ा स्पेक्स के बारे में बता दूँ, इसमें 1.2 लीटर का इंजन है, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है और 1.2 लीटर इंजन है जिसमें 90 BHP और 139 Nm का टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो मैं आज बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर इसने झटका खाया या फिर कहाँ कहाँ पर ये आराम से उठ गई प्यार से, वो सब आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो भाई उसके लिए अपन को पहले रोड पे चलना पड़ेगा, तो चलो। तो भाई ये एकदम परफेक्ट रोड लग रही है मेरे को, ये वाली आप देख सकते हो, ये वाला टेस्ट करने के लिए। तो लेट्स सी किस तरीके का रहता है। तो भाई टेस्ट को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो मेरा ये वाला पैर जहाँ से एक्सेलरेटर होता है वहाँ से मैं इसको दूर कर देता हूँ। आप देखना, मैं सिर्फ इसको छोड़ूंगा और ये उठ पाती है कि नहीं उठ पाती, आप देखना। भाई अभी तो प्यार से उठ गई यार, देखो थोड़ा सा, जब पूरा क्लच छोड़ा ना सर, मैंने जल्दी छोड़ दिया। मैं एक बार दोबारा करता हूँ, इस बार देखो एकदम प्यार से जब क्लच छोड़ रहा हूँ ना, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में है कार, और इतनी प्यार से उठ गई भाई सेकंड गियर में, आप देख सकते हो उठ तो गई। चलो ये टेस्ट हो गया। अभी अपन देखते हैं कि जब अपन कंटिन्यूस गियर चेंज करते हैं बिना एक्सीलरेटर दिए तो कहाँ तक बिना झटका खाए उठती है। अभी मैंने फर्स्ट गियर में कार को कर दिया, देखो देखो फर्स्ट गियर में तो एकदम प्यार से उठ गई, कोई झटका नहीं खाया गाड़ी ने। ठीक है, अभी चल रही है, अब मैं सेकंड गियर डाल देता हूँ। मैं रेस नहीं दे रहा, आप देख लो, मैं कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा कार को, अब बिना एक्सेलरेशन के ही चल रही है। स्टॉप, माइनर सा झटका खाया गाड़ी ने, बट ऐसा नहीं है कि कोई बंद हो गई या कुछ हो गई। तो भाई सेकेंड गियर में चल रही है अभी बिना एक्सेलरेट करे, और अभी देखते हैं थर्ड गियर डालता हूँ मैं। झटके खा रही है, हल्के से खा रही है, हल्के से झटके खाए भाई गाड़ी ने, ज़्यादा तो नहीं चल रही है, अभी नहीं खा रही है, अभी एकदम बढ़िया पिकअप। मैंने तो क्लच और देख ली, एक्सीलेटर दोनों से पैर हटा रखा है गाड़ी का, और आराम से कार चल रही है। जैसे डीजल कार में नहीं देना पड़ता ना एक्सीलेटर, वैसा ही सीन है इसमें भी, बस स्पीड थोड़ी कम है। अभी थोड़ी सी यहाँ पर स्लोप आया तो यहाँ पर झटका खा रही है कार। लेट्स सी थर्ड गियर में, अभी ये स्लोप पार हो तो इसमें मैं फोर्थ गियर भी डाल दूंगा। अभी जैसे स्लोप खत्म हुआ, ठीक है, अभी झटका खाना भी बंद हो गया, मतलब खा नहीं रही कि मामूली सा फील हो रहा है पैरों में, बाकी वैसे ऐसे नहीं लग रहा, स्टेयरिंग वगैरह से सब सही है। अभी मैं फोर्थ गियर भी डाल देता हूँ, अभी देखो फोर्थ गियर, कोई मैंने एक्सेलरेट नहीं कर रखा, हल्का सा झटका खा रही है बस, अभी स्पीड भी बढ़ी है। भाई मतलब गाड़ी 30 पे चल रही है फोर्थ गियर, और मैंने देखो कोई रेस क्लच कुछ नहीं दबा रखा भाई, अपने आप ही चल रही है। और देखना ये भी स्लोप है ऊपर थोड़ा, इस पर भी चढ़ जाएगी मेरे ख्याल से फोर्थ गियर में, बिना एक्सेलरेट करे झटका ले रही है गाड़ी। भाई अभी तो बहुत झटका लगा रही है, छोड़ो मैं गियर डाउन अभी थर्ड गियर में कर देता हूँ, थर्ड गियर में आराम से चढ़ रही है, थर्ड गियर में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है कार को। चलो वापस फोर्थ डाल देता हूँ, अभी वो आराम से चल रही है, और अभी मैं फिर पांचवा गियर डाल दूंगा, थोड़ी दूर चलने दो, देखते कैसा। वहाँ पे जब स्लोप आया ना तो फोर्थ गियर में झटके खा रही थी भयंकर वाले, बट फिर मैंने थर्ड गियर डाला, आराम से उस स्लोप पे चढ़ गई थी गाड़ी। इस ये रोड मैंने इसलिए चूज किया था कि इसमें क्या है, थोड़े से अप एंड डाउन वैसे उस टाइप की है तो पता चल जाएगा परफॉर्मेंस का। अभी जैसे बराबर रोड है तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही। अभी मैं फिफ्थ गियर डालूंगा, देखो अभी मैं फिफ्थ गियर डाल दूँ, नहीं भाई फिफ्थ गियर में झटके खा रही है, नो डाउट फिफ्थ गियर में नहीं सक्सेस, फोर्थ गियर तक अपन आराम से बिना उसके चला सकते हैं एक्सेलरेट किए। देख सकते हो अभी फोर्थ गियर में है, कोई झटके नहीं खा रही, ठीक है। अभी मैं फिफ्थ में डालूँगा, ये देखो फिफ्थ में डाल दिया, अभी अभी झटके खा रही है। पता नहीं आपको, नहीं आपको शायद पता नहीं लग रहा होगा, बट मुझे लग रहा है। तो भाई अभी यूटर्न ले लेते हैं यहाँ से। तो भाई आई वुड से गाड़ी ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है इस मामले में, तो नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब भाई फर्स्ट सेकंड गियर में तो पता भी नहीं चल रहा गाड़ी का कि झटके खा रही है बिना एक्सेलरेट किया कुछ,
और जब फोर्थ गियर में सिर्फ स्लोप पे झटके खा रही थी, थर्ड गियर तक एकदम मस्त चल रही थी। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आई? दिक्कत आई जब फिफ्थ गियर डाला, फिफ्थ गियर में झटके खाने लगी, उसमें एक्सेलरेटर मांगा गाड़ी ने। और हालांकि तब तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं।